और ये बिहार सरकार अपने जो अहंकार की जो सरकारें चला रही हैं, ये अहंकार के तौर पे ये शहीद सैनिकों को सम्मान नहीं करेंगे कि सारी घाटी ढल चुकी है सेना की अंगारों से, सारी घाटी ढल चुकी है सेना की अंगारों से, सोची कीमत लौटा दिया है वीर सपूतों की मां को, मैं तुझे 30 लाख रुपए देता हूं उन किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने। पहली बात तो है कि शहीद चंदन कुमार जी की शहादत को हम नमन करते हैं, शहादत को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु परमात्मा से हम ये कृपा करते हैं कि परिवार को इस दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। बाकी बात रहा सरकार से क्या कहना है, तो आप लोग भी नारो मुरार के भी लोग और नवादा के लोग, खासतौर पे बिहार के लोग, कुछ बहुत पहले से जिससे इनकी खबर जब मिला कि लोग शहादत हो गए उस समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी के वर्तमान समय में इनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब है नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ जातीय उन्माद करा करके बिहार में राजनीति करने का इनका एक एजेंडा बन चुका है। तो इन्हें इनकी गंदे जो चश्मा है, चश्मे में इनको राष्ट्रवाद नहीं दिखता है। और जो हमारे शहीद चंदन जी शहीद हुए हैं, ये देश के लिए शहीद हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम एक सवर्ण सेना से बिल्कुल, लेकिन इसको जातिवाद से नहीं जोड़े क्योंकि ये देशभक्ति की बात है। और ये शहीद चंदन कुमार सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं लड़ते थे, इस पूरे देश के लिए लड़ते थे, हम सबों के लिए लड़ते थे। आज इनकी शहादत को हम नमन करते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इनकी शहादत के बाद भी जिस राज्य, आप उत्तर प्रदेश बगल की राज्य की बात करिए, वहां के भी सैनिक शहीद हुए हैं, वहां की सरकार तुरंत एक्शन लेती है, 50 लाख रुपए की मुआवजा की बात तक वहां हुआ, लेकिन हमारी बिहार सरकार का भी इस पे कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आया है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट तक आया है। ये कहीं ना कहीं हम सबों के लिए दुखदाई है। और ये बिहार सरकार अपने जो अहंकार की जो सरकारें चला रही हैं, ये अहंकार के तौर पे ये शहीद सैनिकों को सम्मान देना भूल गए हैं। ये लोग शहीद पे भी मजाक बना रहे हैं। नहीं देखिए लोग, इन लोगों को शहादत पे राजनीति करते हैं, सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होगा, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए चुनाव के समय उनके दरवाजे पे लोग पहुंचेंगे, लेकिन इनके परिजनों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा देश के लिए समर्पित होने के लिए जाता है, लड़ाई करता है दुश्मनों से और दुश्मनों के सामना करते हुए शहीद हो जाता है, उनके देखने के लिए कोई परिवार के लोगों से मिलने के लिए कोई सरकार की मंत्री तक नहीं पहुंचते हैं, और घरेलू आंसू बहाने के लिए चुनाव के समय सारे लोग पहुंचे, उनसे जवाब पूछना चाहिए आप उस समय कहां चले गए जब चंदन कुमार शहादत अपने दिए थे। ये दुख की बात है, सरकार ने अपने अहंकार के तौर पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए, वो दिल्ली चले गए, लेकिन यहां पे नहीं आए। इससे बात दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है। और सरकार एक तौर पे कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों को, शहीद सैनिकों को सम्मान नहीं करता ये बिहार सरकार, और ये बिहार सरकार के तमाम लोग जो सरकार के मंत्रिमंडल पे कुंठित होकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, सत्ता के मठाधीशों को सोचना चाहिए, क्या नरो मुरार का हम जो आए हैं इस रास्ता से, इस रास्ता का क्या स्थिति है। आप विकास विकास की झोला लेकर पूरे भारत में डंका पीट रहे, एक हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो जा रहा है और आप प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल बैठे। तो ये सरकार हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद का विरोधी सरकार है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है जात पात फैलाना, उन्माद फैलाना और दूसरे के शहादत पे राजनीति करना। देखिएगा मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव आएगा, देखिए यहाँ पर कितने लोग पहुंच जाएंगे चुनाव के नजदीक में, लेकिन अभी कोई नहीं आएंगे। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर नवादा जिला वासियों को, और हमारे जानकारी यहाँ के लोकल भाई पीयूष रंजन जी के माध्यम से मिला था, उनको मैं धन्यवाद दूंगा जिस प्रकार से आपने ऐतिहासिक अपने दम पे बिना सरकार की सहायता से आपने ऐतिहासिक एक यात्रा निकाले। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में एक गर्व की बात होता है। आप लोगों ने सैनिकों को सम्मान जिस प्रकार से दिया है ये गर्व की बात है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं और इनके परिजनों का कुछ मांग है कि सदस्य किसी सदस्य को एक सरकारी नौकरी हो, इनका घर का जो स्थिति है मतलब बद से बदतर, इस घर में कोई जानवर भी नहीं रह सकता ये, लेकिन इंसान रह रहे हैं, तो सरकार इनके घर बनाने का भी प्रावधान लाए और इनके घर में एक नौकरी जरूर दे। पुरुषोत्तम जी एक सवाल होगा, सरकार के जो है कागज पे सबसे ज्यादा जन्म भूमिहारों के पास, क्या लगा आपको? ये इनका कहना है सारे, इनका जो है 5 डिसमिल में 5 भाई है। देखिए हम बताते हैं कि सही बात है जो भी है सरकार को, जाति जनगणना डेट इस पर हम नहीं जाएंगे, जो भी उनका उस मसले पे हमने जवाब अपने तरीके से उनको दे दिया, लेकिन बस सैनिकों की सम्मान में बस इतना ही करेंगे कि सारी घाटी ढल चुकी है सेना की अंगारों से, सारी घाटी ढल चुकी है सेना की अंगारों से, सोची कीमत लौटा दिया है वीर सपूतों की मां को, मैं तुझे 30 लाख रुपए देता हूं उन किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जिस दिन मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, सांसद का बेटा सिपाही में भर्ती हो जाएगा ना, उस दिन नक्सली की हिम्मत नहीं है। हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है और हमारे वीर सैनिकों पर गर्व होता है
उनको अगर पूरी छूट दी जाए तो पूरे आतंकवाद को समाप्त कर सकते हमारे भारतीय सैनिक, लेकिन उनकी खुली छूट होना चाहिए। बाकी इनके सच्चे श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे और इस पे हम कुछ विशेष रूप से राजनीतिक नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे, उन लोगों को इतना ही कहेंगे कि आके इन पीड़ित परिवार से मिलिए और इनकी जो मांग है उस पर आपको सोचना चाहिए और इनकी मांग को पूरी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।